क्या है दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक पोएट्री स्ट्रक्चर एक बंदे ने मेरे से रिक्वेस्ट करी थी तो मैं आपको बता देता हूँ लर्न हाउ टू राइट लाइक रूमी और लैंगस्टन ह्यूस और टी एस एलियट ये बड़े बड़े जो महापोएट्स महा थे हम उनमें से कुछ भी नहीं करने वाले आज हम सिंपल चेस्ट क्रेस्ट आम, टेस्ट डिटेस्ट ऐसी वाली राइमिंग सीखने वाले हैं और उसके बाद उसके अंदर एक डिग्री ऑल्टरनेशन कैसे होती है बट जो बेसिक मैथ है पोइट्री का जो बच्चे जिस तरह से पोईम लिखते हैं वो मैथ अडल्ट पोट्री के अंदर भी अप्लाई हो सकता है तो मैं आज वो दिखा देता किस तरह से द दिस वीडियो इज दैट यू शुड फील लाइक कि ये पोइट्री मैं कर सकता हूँ इंटेंट ये है मैं इसको इतना सिंपलीफाई करने वाला हूँ पोइट्री के अंदर जो सबसे बेसिक तरीका है जिस तरीके से मैं सिखाने वाला हूँ वो ये है कि ओनली द लास्ट वर्ड शुड राइम ठीक है हम सिर्फ लास्ट वर्ड पे फोकस करेंगे देर इज अ बॉय ही अक्ट सो Coy he, he plays with toys, doesn't recognize ploys, um drinks milk, that is soy is a fan of Mr. Roy overall.

a toy doesn't recognize the ploy ठीक है ताकि कोई ये ना बोले कि मुश्किल है अब सारे के सारे एक टाइप के हैं ठीक है थीके? roy soy joy ploy toy coy boy ठीक है सब के सब ऐसे हैं भूल जाओ कंटेंट्स क्या कंटेंट्स पर ध्यान दो अभी सिर्फ राइमिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ठीक है तो लेट्स कॉल ऑल ऑफ दिस दिस वन टाइप ऑफ राइम ए ठीक है तो मैं यह करता हूँ I'm just जस्ट गोना राइट ए लाइक दिस ऐसे और और, और किसी तरह से समझ नहीं आएगा ए ए ए ठीक है मैं बताता हूं इस एक इस ए की सिग्निफिकेंस भी अभी समझ में आएगी क्या है इस ए की सिग्निफिकेंस ए यहां पे ए कूल सो नाउ व्हाट आई एम डू इज यू ऑलरेडी सी द स्ट्रक्चर इसके अंदर सारे ए ए ए ए हैं ठीक है अब एम ड्राइविंग स्ट्रक्चर देर इज अ बॉय ही हैज नो सेल्फ एस्टीम ठीक है बी बीज ली क्योंकि मैंने इम साउंड इंट्रोड्यूस करिए इससे पहले मैं ऑयज पे चल रहा था सारे के सारे अब मेरे ईम आ गए ठीक है ही ही कॉइन लाइक्स लेजर ही लाइक्स लेजर बीम ठीक है बी साउंड आ गई प्लेस विद अ टॉय अब उसके बाद यहां पे डजेंट um, have a exit dream ठीक है इसको थोड़ा आगे कर देते हैं टैब लगा के ताकि सब एक लाइन में आ जाए इजी समझने के लिए ओके क्लासिक ठीक है अब क्या हो रहा है wivs wivs slowly started to introduce एक अल्टरनेट राइमिंग का तरीका हम अभी तक सारे ओ साउंड्स पे, पे आ रहे थे अब हम ईम साउंड्स पे आ गए हैं सेल्फ स्ट्रीम लेजर बीम ड्रीम हैज नो वन ऑन हिस्टीम ठीक है ये हो गया आपका बी ए बी ए बी ए बी ए बी फैन ऑफ मिस्टर रॉय के बाद एक हाँ यहां पे बट ही लाइक्स क्रीम पोएम की वियर्डनेस पे ध्यान मत दो सिर्फ ये ध्यान दो कि मैं सिंपली किस तरह से राइमिंग स्ट्रक्चर को अडियोर कर रहा हूँ आइडिया ये है इस वीडियो का कि हम लोग इसके बाद राइम करना शुरू कर सके हम पोएम लिखना शुरू कर सके हमारे हमें कंटेंट से कोई मतलब नहीं है इस टाइम पे हम सिर्फ राइमिंग से बनना शुरू कर सके कि हम राइम कैसे कर सकते हैं ठीक है क्रीम इज अ फैन ऑफ मिस्टर रॉय एक और क्रीम हो गया टीम हो गया ड्रीम हो गया लेजर बीम सेल्फ एस्टीम गेट्स ऑफेंडेड ओवर ए मीम अब ये देखो थोड़ा सा फर्क है मीम और सेल्फ स्टीम के अंदर एग्जैक्ट स्पेलिंग नहीं है बट एज लॉन्ग इज राइमिंग सही है इट वर्क मतलब आई कुड यूज एग्जैक्टली सेम चलो कोई बात नहीं तुम्हारे उस, मतलब आई कैन ट्राई बट आई एज लॉन्ग इज द साउंड इज इज द सेम इट डी मैटर बट फॉर द सेक ऑफ दिसक ओके ही हैज नो आइसक्रीम लो टू ड्राइव द पॉइंट होम कि मैं बिल्कुल ही सेम वो यूज कर रहा हूँ ही हैज नो आइसक्रीम कर दिया गेट्स ओवर हा इज बर्स्टिंग एट द सीम ठीक है सीम वो होता है जो अगर किसी साइड किसी चीज का जो साइड वाला वो होता है ना क्या क्या बोलते हैं सीम को ट्रीम क्रीम लीम लीम ठीक है अब मैंने लिटरली आई हे ब्रोकन नो रूल्स लिटरली सारे मतलब इससे पहले मैंने मीम और डीम भी लिखा था अब सारे सीआर सब सारे ई एम साउंड क्या कर लिया तुमने बेसिकली एक पोएम लिख लिया जिसके अंदर एक राइम स्ट्रक्चर है जिसको ए बी ए बी बोलते हैं ठीक है ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी कितना ईजी है कुछ भी नहीं करना सिर्फ और सिर्फ लास्ट के वर्ड्स को राइम करना है एंड यू आर एबल टू राइट इफेक्टिवली ठीक है बस ये करना है ओके okay. ये जान लिया है एक बोनस कॉम्प्लेक्सिटी अब थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको चलो वो कैसे कर सकते हैं हम अब दिखाता हूं अभी बाय द वे ये एक स्ट्रक्चर है बहुत जो तुमने जितने भी पोएट्स दिखे होंगे कई लोग स्ट्रक्चर यूज नहीं करते कई लोग पहला ए राइम कराएंगे फिर उसके बाद बीच में बी सी डी ई एफ जी करेंगे फिर फाइनली ए राइम कराएंगे अब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड खेलते हैं जैसे कि एक काम करते हैं इसको इधर ही रहने देते हैं लेट्स लेट्स मेक अ न्यू वन

डोंट गेट stressed, और आई विल कैंसिल योर पेंशन एंड देन यू वॉन्ट इवन मैंशन ठीक है तो सी ये पांच अब इसमें हमने क्या करा है अगर हमारा ए हम मानते हैं एंजन को एंशन वाला जो भी साउंड है Hamna is cop a a manlia though hamna isko a manlia isko man litia isko b manlia or or I will cancel your pension. This is a again, so let me just uh, copy this and paste it right here. All right, why wouldn't it? Cool. So this is the A right here, and then same, same G's either. Copy and paste. Okay.

द सिली ड्रीम्स यू हैव अब हैव साउंड आ गए देखो तो ठीक है ए बी ए सी इससे हुआ कुछ नहीं जट्स लाइक दिस इज ईजी प्रोडिक्टेबल इसमें कोई दिक्कत नहीं है सम ग्रेट पोर्म्स रिटन विद दिस स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड बहुत अच्छी क्लासिक्स स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में लिखी हुई है

Let's see what I can challenge myself with. I'm um, not going to challenge Okay. All right. Um, let me think. Cameras are a great tool. I had one a long time ago, it arrived in the mail. The mail was empty. I was made a fool. There were times I used to rule the world with an iron fist. Then I was caught in the mist, and now. I just drool take okay. okay, this is probably the more complex ones, but you'll understand the complexity of Bahar select as long as you can figure out the last word, all of it is literally the same thing. Okay, so let's see. We've used tool as a primary word, so the sound ool is is what we're looking at. A second, let me just extend this. Okay. this is the sound we're looking at. Okay. I won a long time ago. this is classic b. Fuck it. This is classic B. Arrived in the mail. Another sound. So this time it's C because it's not a go, neither is a tool. So it has to be something else. So they simple difference. But the mail was empty. Again, this sound used. We have rhyme. These are all lines, right? But here, we finally made a rhyme. Tool and fool finally rhyme. So you can see. ए बी सी डी ए राइट ठीक है ओके नाउ इन दिस दूसरे स्टैंडा के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं हमने ए यूज करा फिर से फिस्ट fist, इज fist no. so the role ऑफ ई e. हर नई साउंड एक नया लेटर एक्वायर करती है देन आई वॉज कॉट इन the mist. हां हम लोगों ने अभी अभी पिछली लाइन में यूज करा है दिस so आई e. just रूल Back to a of I think now you can understand key fund poeticrica poetica math, figure out content sca you're going to write shit for a while, expect that but then when you once you understand the math, you can start writing lines where you don't rhyme at all, but then you rhyme in ways that don't make sense. for example um let's look at this get unrest let me play something get this weight off my chest okay is vali in the deko is vali the scene gay now get undressed is come a man the fuck exit otherwise using a full stop okay so this is a Hmm. Let me play something is Babyoga. B, C and then see Kia It's like a I don't know what to call it, but it still rhymes, doesn't it? Chest dressed. Same cheese. It's not the exact word but here i'll just uh, use this symbol right so it's like it's it mimics a it works to but obviously this part is a bit more complex you know you'll as as you start playing around with words so you the word joe make the spelling that's when you'll get to like things like dream and mean dream mean tsunami like overall sound same semitic okay?

And then use it to practice. Leave, अगर, अगर तुम्हें ये वीडियो समझ में आया ना कि ये कैसे करना है ये बेसिक वाली पोइम को तो तुम लिख ही सकते हो तो चार लाइनों के अंदर चार लाइने बस बच्चो दीओ चलेगा ठीक है लिटली आई डोंट मी नो इन दॉमेंट की तुम्हें समझ में आ गया नहीं आया ए बी ए बी कर दो एक बार ए बी ए बी नॉट लाइक ए बी ए बी इन देंस की ए बी ए बी स्ट्रक्चर यूज करके एक चार लाइनों की पोईम लिख दो तो, कुछ भी नो वन इसको जज लूट दिस पोईम कुछ भी लिख रहा हूँ इसके अंदर बट यू गैट द आइडिया राइट ठीक है कुल